गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। इश्तियाल अंगेज इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत, करारदाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेश की। पाकिस्तानी सफीर को फ्रांस से वापस बुलाने पर जोर। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने का भी मुतालबा। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद का मामला कौमी असम्बली में अपोजिशन की हुल्लड़बाजी। हसास मामले पर भी ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अपनी करारदाद पर इसरार करते रहे शाह महमूद की भी शोला बयानी। कहा अपोजिशन में मोदी की रूह मुंतकिल हो गई है। वजीर खारजा की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, सीटियां बजाते रहे। डेप्यूटी स्पीकर को इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। आरएसएस की पॉलिसी पर चलने वाली बीजेपी मुसलमान दुश्मन जमात है। भारत पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है। वजीर आजम इमरान खान ने खदशात बता दिए। कहा अफगानिस्तान में जिसकी हुकूमत होगी पाकिस्तान उसे सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान ने चाय पिलाई, चीन ने की जबरदस्त पिटाई, मगर मोदी सरकार फिर भी बाज ना आई। भारतीय कौमी सलामती का मुशीर अजय देओल पड़ोसी मुमालिक को धमकाने लगा। कहा वहां हमला करेंगे जहां से भारत को खतरा है, अपनी सरजमीन के साथ साथ गैर मुल्की सरजमीन पर भी लड़ेंगे।